बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर राजनीति सरगर्मी तेज हो चुकी है और सभी पार्टियां जीत के लिए मेहनत कर रही है। खासकर गठबंधन और एनडीए के नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है और सभी प्रत्याशी ने वार्ड पार्षद और पंचायत प्रतिनिधियों को अपने पक्ष में करने की कवायद तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में आज गठबंधन के उम्मीदवार कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू यादव जहानाबाद पहुंचे, जहां राजद उम्मीदवार ने वार्ड पार्षदों के साथ बैठकर होने वाले एमएलसी चुनाव पर चर्चा की और अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान उपस्थित वार्ड पार्षदों ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहां पर जो बैठक है, ये लोग जुटे हैं, एक चर्चा हो रही है कि जो आने वाला एमएलसी चुनाव है, वो एमएलसी चुनाव के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि हमको किस तरीके से चुनाव में आगे जाना चाहिए और किस तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए। आज जो 20 वर्षों में जिस तरीके से चुनाव हुआ, वो सबके सामने है। सब लोग समस्याओं पे कोई चर्चा आज तक नहीं करता रहा, सिर्फ चर्चा होता था चुनाव के वक्त पैसा पैसा पैसा। हम इस बार प्रयास कर रहे हैं लोगों के सहयोग से कि जो हमारी समस्या है उसको मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारी समस्या है सबों का अधिकार समाप्त हो रहा है। आज सबसे बड़ी समस्या है लोगों की पहचान और मान सम्मान खो गया है। आज सबसे बड़ी समस्या है अफसरशाही, जो कुछ कोई किसी के बारे में सुनने के लिए तैयार नहीं है। जितना भी मुखिया जी हैं, वार्ड महोदय हैं, पंचायत समिति हैं, जिला परिषद हैं, वार्ड काउंसलर हैं, उन लोगों को कोई पदाधिकारी उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये सारी समस्या है। हम चाहते हैं कि इस समस्याओं पर चर्चा हो और चर्चा के साथ ही हम चाहते हैं कि चुनाव जो हो रहा है मुद्दा यही बने और हरेक लोगों से ये बात उठे कि हम एमएलसी वैसे लोग को चाहते हैं जो हमारी समस्याओं पे सरकार सदन में से लेकर के सड़क तक लड़े, सरकार पे दबाव बनाए। उनका समस्या है वेतन का, इस सारी समस्याओं को लेकर के हम लोग के बीच में गए हैं और लोगों को जो विश्वास दिला रहे हैं कि आपकी समस्या है, उस समस्याओं के साथ हम बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे, हमको एक मौका दीजिए और उस मौके पे हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमको मौका मिलेगा। तो सबसे पहला कदम विश्वास के लिए, इस लड़ाई को लड़ने के लिए सबसे पहला कदम उठाएंगे, जो एमएलसी के रूप में जो हमको वेतन मिलेगा, उस वेतन को सरकार को वापस कर करके सरकार पे दबाव बनाएंगे और कहेंगे कि जब तक हमारे वार्ड महोदय, मुखिया जी, पंचायत समिति, जिला परिषद, वार्ड काउंसलर को कम से कम मिनिमम वेतन न मिलेगा, जब तक मिनिमम जो मजदूरी भर वेतन नहीं मिलेगा, तब तक हम वेतन लेने का काम नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि एमएलसी का चुनाव हम आपके लिए आवाज़ बने, आपकी ताकत बने, हम इसी के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस मौके पर राजद प्रत्याशी रिंकू यादव ने जीत को लेकर आश्वस्त दिखे, बताते चले कि सभी दलों के उम्मीदवार अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए सारे हथकंडे अपना रहे हैं। वहीं इस मौके पर गठबंधन के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मेरा तो सीधा सीधा कहना है, हम चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं। हम इस बार सबसे लोगों से आग्रह किए थे, अपील किए थे कि इस बार का चुनाव जितने भी मुखिया जी हैं, वार्ड महोदय हैं, जिला परिषद, सब मिल करके नॉमिनेशन किए हैं, हम तो सिर्फ उनका प्रतिनिधि हैं। इस बार का चुनाव सीधा सीधा उस विचारधारा के साथ है, जो विचारधारा हमारा स्लोगन उसके खिलाफ झुकते हैं, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे मजबूत हो ग्राम सभा। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी तमाम अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।